एसयूआई के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के द्वारा पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक सोमवार को गोवर्धन के स्थानीय होटल में संपन्न हुई, जिसमें पत्रकार सुरक्षा कानून, देश के मीडिया संस्थानों पर बढ़ती पाबंदी, कोरोना महामारी से मीडिया संस्थानों पर आर्थिक संकट व पत्रकारों की छटनी से बढ़ती बेकारी, नए श्रम कानूनों, मीडिया पर प्रभाव, डिजिटल मीडिया पॉलिसी लागू करने, छोटे व मंझोले समाचार पत्रों को विज्ञापन दायरा बढ़ाने, नेशनल रजिस्टर फॉर जर्नलिस्ट बनाने, पत्रकारों को बीज बोर्ड का फायदा दिलवाने के कानूनी पहलुओं, तहसील व ब्लॉक स्तर पर तथा 60 साल की आयु के बाद भी पत्रकारों को मान्यता दिलाने तथा पत्रकारों के लिए टोल फ्री होने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर NUJI राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी शर्मा ने कहा कि पत्रकारों के समाधान के लिए केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों को ज्ञापन दिए जाएंगे। मिशन पत्रकारिता और अपने हकों के लिए पत्रकारों को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। राष्ट्रीय महासचिव व प्रेस परिषद के संपन्न प्रसन्नता मोहती ने कहा कि आज पत्रकारों के सामने अपने वजूद को बचाए रखने की चुनौती है। पत्रकार सुरक्षा कानून मीडिया काउंसिल के गठन के लिए हम पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष व प्रेस परिषद के सदस्य ज्ञानंद चौधरी ने कहा कि पत्रकारों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। पुलिस फर्जी मुकदमे दर्ज करके पत्रकारों को भयभीत कर रही है। ईमानदार व निष्पक्ष पत्रकारों को डराने की कोई भी कोशिश सहन नहीं की जाएगी। कार्यक्रम को उपजात के प्रदेश अध्यक्ष रतन दीक्षित, NUJI की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सीमा करण, कोषाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष विवेक जैन ने भी संबोधित किया। सभी का आभार जताते हुए NUJI राष्ट्रीय सचिव उपजा के प्रदेश उपाध्यक्ष व ब्रज प्रेस क्लब अध्यक्ष कमलाकांत उपमन्यु एडवोकेट ने तहसील और ब्लॉक स्तर पर पत्रकारों की मान्यता की बात भारतीय प्रेस परिषद में उठाने की मांग की। इस अवसर पर अतिथिगणों का भव्य स्वागत व अभिनंदन किया गया। डी शर्मा, मथुरा समाचार 24। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इनिशिएटिव लिया जी प्रेस काउंसिल में हमारा NUJI के जो साथी गया है, हम उनको संबोधित करेंगे। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू देम, पर्टिकुलर खास करके उपमन्युजी को, क्योंकि उपमन्युजी के साथ हम जो बात हुआ था, मैंने कहा जो ठीक है हम जाने के लिए आप तो बहुत आई वांट इट वेरी मच, लेकिन बात ऐसा है, हमको आपको रिक्वेस्ट है जो हम जो प्रेस काउंसिल का हमको जो मीटिंग होगा उसके साथ आप कर लीजिएगा तो हमको ये सुविधा होगा। ऐसे ही उन्होंने क्या देखने से मालूम हो जाता है जे वो जस्ट जो फॉर्मेलिटी है ना, दिल से है। हमको तो लगा है जो आप दिल से किया है, इसीलिए आई एम ग्रेटफुल टू यू। जब आपको परिचित नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट NUJI, ये तो एक तो है ट्रेड यूनियन, तो ट्रेड यूनियन का हमारा जो मांग है, फाइनेंशियल जो डिमांड है, इसके लिए सारे जगह हम उसके लिए फाइट करता है। प्रेस का ऊपर जो अटैक होता है उसके लिए भी हम फाइट करता है। NUJI जैसा करता है अभी जो ये सारे चुनौती हम लोग का है, जो जो हम लोग जो मांग करते थे, अब तक जो मांग करते थे जनरल प्रोटेक्शन एक्ट और एडमिशन कमेटी, सारी चीज को ये हमारे लिए मौका मिला। दो दो रिप्रेजेंटेटिव हमारा हो गया प्रेस काउंसिल में, वी कैन पुट ऑल दिस पॉइंट इन फोर्सफुल वे, इट्स अ चांस फॉर NUJI दैट वी कैन पुट आवर डिमांड्स इन ए वेरी फोर्सफुली बिफोर प्रेस काउंसिल। तो मुझे लग रहा है आप लोग को भी बीच बीच में सुझाव देना चाहिए, हम लोग जब मीटिंग हमारा जो मीटिंग हो रहा है, क्या क्या हम लोग को किन मुद्दा पर हम लोग का डिस्कशन करना चाहिए, क्या क्या इश्यू हम लोग को रेज करना चाहिए। ये एक दो पॉइंट, सारा इश्यू नहीं, बहुत सारा पॉइंट है। पेंशन स्कीम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। आफ्टर रिटायरमेंट आफ्टर 60 इयर्स वी आर ऑल गोइंग टू फेस द सेम सिचुएशन, व्हाट विल बी आवर पे, नथिंग इज देयर, जर्नलिस्ट टोटली हैरस्ड। तो ये इसके बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा कि सोशल सिक्योरिटी मेजर्स कितना होना चाहिए। मुझे याद है एक बार प्रेस काउंसिल ने सर्कुलर इश्यू किया था कि जर्नलिस्ट लोगों को जो जो आसान हो जाएगा सारा चीज, और ये हमारे लिए अच्छा दिन आ रहा है। NUJI के लिए मुझे जो लग रहा है अच्छा दिन आ रहा है, और आगे हमारा जो अचीवमेंट हमारा बहुत अच्छा